फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। ये भी हॉब्स की तरह ही एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। 1632 से 1704 तक का समय था इनका। जॉन लॉक के टाइम में भी 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जिसमें मोनार्की से सत्ता हस्तांतरित हो गई थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ। ये हॉब्स के आसपास का ही काल है। तो जॉन लॉक के भी विचार इस गौरवपूर्ण क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। चलिए अब इनके विचार देखें तो सबसे पहला आता है इसमें स्टेट ऑफ नेचर। ये उस अवस्था को बताता है जब प्राकृतिक रूप से रह रहा है मनुष्य, मतलब वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं, कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। अब जॉन लॉक के अनुसार उनका स्टेट ऑफ नेचर इस प्रकार का है। जॉन लॉक कहते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर पीस था, गुडविल थी, म्यूचुअल असिस्टेंस था, सेल्फ प्रिजर्वेशन का सिद्धांत लागू करते थे लोग। मतलब यहाँ हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर की तरह लोग लड़ते नहीं थे आपस में, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते थे, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करते थे। इसमें लॉक कहते हैं कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी को कभी हार्म नहीं कर सकता, कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनका मानना था कि मनुष्य परस्पर सहयोग, प्रेम, दया भाव आदि एक दूसरे से संबंध बनाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर ये इसी से नेचुरल राइट की भी बात करते हैं। इसमें आता है कि एवरीवन हैज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जॉन लॉक ने यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात की है। पहले ऐसे फिलोसोफर हैं जो प्रॉपर्टी को नेचुरल राइट कहते हैं। अब प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने लेबर थ्योरी और प्रॉपर्टी बताई है। इस थ्योरी के अनुसार किसी भी चीज पर, वस्तु पर यदि हम काम करते हैं, उस पर लेबर लगाते हैं अपना, तो उस वस्तु पर हमारा अधिकार होता है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के सिद्धांत से वे लिबर्टी या स्वतंत्रता को भी जोड़ते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि मुझे ईश्वर ने बनाया है और मुझ पर पूरा अधिकार ईश्वर का ही है। इस प्रकार सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने बनाया है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अधिकार नहीं जता सकता। सभी एक तरीके से लिबरल हैं, स्वतंत्र हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी का सिद्धांत है ना, इसे वर्कमैनशिप आइडियल कहते हैं, जो जॉन लॉक ने दिया था। अब यहाँ जॉन लॉक कहते रहे कि सभी के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है, यहाँ पर सब स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए भी उन्होंने तीन लिमिटेशंस लगाई हैं। पहला है लेबर लिमिटेशन, कि यदि आप किसी प्रॉपर्टी को अपना बता रहे हैं तो उसमें आपका लेबर इंक्लूड होना चाहिए, तभी वह आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। दूसरा है सफिशियंसी लिमिटेशन, मतलब हमें जितनी जरूरत होगी उतनी ही प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे पर्यावरण से, एक्सेसिव एक्वायरमेंट नहीं होगा। तीसरा लिमिटेशन है स्पॉयलेज लिमिटेशन, आप जितनी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं उसका यूज करना है आपको, उसको वेस्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए ज्यादा एक्वायर भी नहीं करना है। तो ये था स्टेट ऑफ नेचर, जहां सब कुछ पीसफुल तरीके से चल रहा है। देखिए अब हम जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। देखिए उन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर में प्रॉपर्टी की बात कही थी, लेकिन आप ही सोचिए कि सबके पास अपनी प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी को अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यदि ये कंडीशन हो गई कि जो लिमिटेशंस दी हैं जॉन लॉक ने उसे कोई नहीं मान रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, कोई अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा कह रहा है वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो लोगों के बीच ऐसे डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए कोई गवर्नमेंट भी नहीं है, ना कोई जज है, ना कोई सत्ता है। इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण फिर अशांति उत्पन्न होगी, नेचर पीसफुल नहीं रह जाएगा लोगों का, मतलब अशांति की अवस्था आ जाएगी। इस कंडीशन में वहाँ के लोग स्टेट ऑफ नेचर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जॉन लॉक कहते हैं कि लोग जो पहले सोशल सोसाइटी के रूप में थे, वो अपने आप को एक साथ एकजुट करेंगे और एक पॉलिटिकल सोसाइटी का रूप ले लेंगे, जिसमें मेजॉरिटी के बेस पर गवर्नमेंट का चयन किया जाएगा, और ये गवर्नमेंट जो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी आदि को सेव करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। जॉन लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक पॉलिटिकल कम्युनिटी या सिविल सोसाइटी का निर्माण होगा, जो मेजॉरिटी बेस पर रूल करेगी और गवर्नमेंट का निर्माण होगा। अब देखिए जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट की बात की थी। देखिए वे कहते हैं गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट ऐसे काम करनी चाहिए जिसमें मेजॉरिटी का कंसेंट हो, मतलब जनता के हित के लिए, जनता के अनुसार काम करने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट ने लोकतंत्र की भी नींव रखी। फिर आगे जॉन लॉक ने राइट टू रिवोल्ट की भी बात की थी। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन यदि वो गवर्नमेंट हमारे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ नेचर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, सही से अपना काम नहीं कर रही है, तो उसके विरुद्ध रिवोल्ट करने का भी अधिकार होगा लोगों को। चलिए अब इनकी दो प्रमुख बुक्स के नाम है, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट जो 1690 में आई थी, और दूसरी है लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। तो ये सारी बातें थी जॉन लॉक के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।